नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीजीपीएससी सीजी वेपम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान का उत्तर देखेंगे, जो कि बस्तर के दशहरा से पूछे जाने वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आगामी एग्जाम जैसे छात्रावास अधीक्षक, कांस्टेबल, पुलिस भर्ती और ये इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर मैं ये वीडियो लाया हूँ। जो लोग छात्रावास अधीक्षक, सीजीपीएससी सीजी वेपम जैसे कि पुलिस भर्ती, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर यह वीडियो लाया हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 5, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, ठीक है। चलिए बस्तर के दशहरा से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, बस्तर का दशहरा एक पारंपरिक त्यौहार है जो कितने दिनों तक की अवधि में मनाया जाता है, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2021 और सीजीपीएससी 2013, 14, 15 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। कॉपी में नोट करके चलिएगा, 10 क्वेश्चन बताऊंगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान बस्तर के दशहरा से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिए और नोट कीजिएगा। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जो 75 दिनों तक की अवधि में मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है? 75 दिनों तक। याद रखिएगा, बस्तर का जो दशहरा होता है 75 दिनों तक इसकी अवधि में मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। मैं आप सभी को बताऊंगा कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आप सभी के लिए, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि बस्तर दशहरा में मावली माई की विदाई के सम्मान में, किसकी सम्मान में? मावली माई के विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? सीजी व्यापम क्षेत्र रक्षक 2021 में पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। बस्तर के दशहरा से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा या वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आप सभी को याद हो जाएगा, ठीक है। बस्तर के दशहरा में मावली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो अंतिम कार्यक्रम को मावली परघाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावली परघाव, याद रख लीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। डेली आपको 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और सब सिलेक्टेड क्वेश्चन आगामी एग्जाम जैसे सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, सब इंस्पेक्टर हो गया, छात्रावास अधीक्षक, अमीन पटवारी, ये जितने भी आप सभी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, मावली प्रभाव आएगा। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग को ना, सीजी व्यापम सीजीपीएससी में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व किस माह मनाया जाता है? याद कर लीजिएगा इसको, सीजी व्यापम 2012 में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो आषाढ़ माह में मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा, आषाढ़ माह में मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल कॉपी में नोट कीजिए। चलिए छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व किस माह मनाया जाता है? तो आषाढ़ माह में मनाया जाता है। देखिए गोंचा पर्व कब मनाया जाता है? आषाढ़ माह में, जल्दी याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद बस्तर की दिवाली को क्या कहते हैं? जो बस्तर की दिवाली रहता है उसको दियारी कहते हैं, दियारी, व्यापम 2015 में पूछा गया है। बस्तर की दिवाली को क्या कहते हैं? तो बस्तर की दिवाली को दियारी कहते हैं, क्या कहते हैं? दियारी। पाँचवा है कि बस्तर के दशहरा उत्सव समाप्ति, तो इसकी कौन सा आएगा? मुड़िया दरबार से आएगा, कौन सा आएगा? मुड़िया दरबार से, एमपी क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा कॉपी में, सबसे पहले नोट कीजिएगा। चलिए पहले कॉपी निकालिए, कॉपी में नोट कीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं, आगामी एग्जाम में बिल्कुल ही आपको फ़ायदा मिलेगा जी, बिल्कुल, है ना। चलिए नोट कर लिए, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहे हो? बस्तर के दशहरा के उत्सव की समाप्ति मुड़िया दरबार से होती है, ठीक है। चलिए मुड़िया दरबार से होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, व्यापम सीजीपीएससी में पूछा गया ही सवाल आपको करा रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कराऊंगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है? बस्तर में जो यात्रा की जो पर्व मनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है आपको, मैं बिल्कुल भी आ पाऊँ और पीएससी से सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। गोंचा पर्व आएगा, क्या आएगा? गोंचा पर्व। बस्तर में जो यात्रा के पर्व मनाया जाता है या उसको क्या कहा जाता है? गोंचा पर्व कहा जाता है। ठीक है, सभी मैं आपको त्यौहार, तीज त्यौहार, जनजातियों से संबंधित बिल्कुल क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सिलेक्टेड क्वेश्चन का। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ में विवाह से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है, पेय पदार्थ से संबंधित है, उसके बाद बुक एवं बुक से कौन कौन, उसके लेखक कौन कौन है, बिल्कुल वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, बिल्कुल एक लाइक जरूर कीजिएगा, इतना मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं तो एक लाइक बनता है। और बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा। बस्तर में यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है? गोंचा पर्व कहा जाता है। बिल्कुल कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? बस्तर में माटी, देखिए व्यापम के 2018 में पूछा गया है। मैं आपको लोग को बता ही रहा हूँ कि सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन करवाऊँगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, आपका कहीं नहीं जाएगा, आपका कहीं नहीं जाएगा। इस प्रश्न अगर आपको मिल जाता है एग्जाम में, बिल्कुल टिक लगाइएगा। बस्तर में माटी का त्यौहार कब मनाते हैं? तो चैत्र माह में मना जाते हैं। कब मनाते हैं? चैत्र माह में। बस्तर में माटी त्यौहार चैत्र माह में मनाते हैं, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है कि बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किन किन द्वारा खींचा जाता है? देखिए 2016 में पूछा गया है, सीजीपीएससी 2016 में पूछा गया है, बस्तर की जो दशहरा पर्व होता है उस पर रथ किन किन द्वारा खींचा जाता है? तो स्थानीय आदिवासी द्वारा, बिल्कुल याद कीजिएगा, स्थानीय आदिवासी द्वारा खींचा जाता है। किसके द्वारा खींचा जाता है? स्थानीय आदिवासी द्वारा खींचा जाता है। बस्तर का जो दशहरा पर्व पर रथ किन किन द्वारा खींचा जाता है? तो स्थानीय आदिवासी द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9वां है कि देखिए बस्तर दशहरा का प्रारंभ, जो बस्तर दशहरा का प्रारंभ, इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? व्यापम 2016 में पूछा गया है, तो काछिन देवी की पूजा की थी। बस्तर में दशहरा का प्रारंभ किसके द्वारा किया जाए? बस्तर का जो प्रारंभ होता है वो काछिन गादी से होता है। किससे होता है? काछिन गादी से। और प्रश्न में यह पूछा जाता है कि बस्तर के दशहरा से किसके प्रति समर्पित है? तो आप किसको कहोगे? दंतेश्वरी देवी के प्रति समर्पित है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, बस्तर का दशहरा किसके प्रति समर्पित है? समर्पित है, तो समर्पित है तो क्या आएगा? दंतेश्वरी देवी के प्रति समर्पित है। अगर इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए कि बस्तर का दशहरा का प्रारंभ, जब प्रारंभ पूछा जाए तो काछन गादी देवी यानी कि काछिन देवी से। ठीक है, बस्तर का जो दशहरा का प्रारंभ होता है काछिन देवी से, और समर्पित पूछा जाए तो दंतेश्वरी देवी से। याद रख लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है हमारा, काछिन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? सीजीपीएससी सीएमओ 2000 में पूछा गया, सीएमओ, ठीक है, सीएमओ नगर पालिका से संबंधित। काछिन गादी किस पर्व से संबंधित है या अनुष्ठान है? तो दशहरा। काछिन गादी कब मनाया जाता है? दशहरा में मनाया जाता है। यह हमारा 10 क्वेश्चन था, आपको 10 क्वेश्चन करा चुके हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि दशहरा से संबंधित है, बस्तर का दशहरा से। इसके बाद आपको पाट यात्रा काछिन, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका जोगी बिठाई होता है, काछिन गादी होते पाट यात्रा होता है, और जोगी उठाना, भीतर रैली, ये सब क्वेश्चन आपको कराएंगे। सबसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या क्या है, और छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकार, छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति की संस्थाएं, और बस्तर के दशहरा में देखिए प्रारंभ कब होता है, इसकी अवधि कितने दिन है, इसके अंतिम रस्म क्या है, तुबकी क्या होता है, ये बिल्कुल आपको बताएंगे। कॉपी में नोट कर लीजिएगा सबको, और क्लास छठवा में आपको पूरा क्लास कराएंगे दशहरा से, बस्तर का दशहरा से कंप्लीट क्लास कराएंगे आपको। बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, धन्यवाद।